इस्लाम पे पाबंदी की गई, जो मस्जिदों पे ताला लगाना चाहते हैं वो हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। जो हमारे मीरवाइज साहब है या जमात इस्लामी है या जमात अहलेदीस, कोई भी अहलेदीस हो, कुछ भी हो, हम एक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम एकजुट है, हम एकजुट है, इस्लाम एक आवाज है, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है कत्ल गारत, ये जो साजिशें हो रही है कि मस्जिदें बंद होनी चाहिए, जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। अरे जी NIA वाले वगैरह ये जो साजिशें कर रहे हैं जी इस्लाम को बंद करने में, इस टाइम मस्जिदों को ताला लगाने में, जो कोई भी तंजीम हो जमात इस्लामी को पाबंदी लगाए गए, इतने बंदे उसमें भी बेचारे गिरफ्तार हो गए, या मुश्ताकवी साहब गिरफ्तार हो गए, जब हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। इन प्रोटेस्ट के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस ये हमारा एक हक है, जो हमें ये हक भी छीना जाता है कि हमें प्रोटेस्ट भी नहीं किया जाता है। होना क्या चाहिए था? कहता कि इनको सबको छोड़ा जाए और कश्मीर डिस्प्यूट जो पॉलिटिकली बात से हल होना चाहिए, जो ये है, क्योंकि देखिए हमारा फ्यूचर भी तबाह हो रहा है। हर कोई जो हमारा फ्यूचर है, कुछ भी है, सब तबाह बर्बाद है। यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर बस हमारे भाई शहीद होते जा रहे हैं। आप साउथ कश्मीर में देखे, नॉर्थ कश्मीर में देखे, कितने लड़के रोज बरोज शहीद किए जाते हैं। और इन पे पाबंदियाँ, ये जो पाबंदी इन पर लगा रहे हैं, ये बस इस्लाम पे पाबंदी, ये उन पे पाबंदी नहीं है, ये इस्लाम पे पाबंदी।